दोस्तों, घर के फर्नीचर से लेकर क्रिकेट बैट्स तक हर एक चीज में लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है और न जाने कितने ही प्रोसेस से बेजान से दिखने वाले पेड़ों को खूबसूरत और स्टाइलिश आइटम्स में बदल दिया जाता है। इस सभी काम को करने में बहुत मेहनत लगती है और आला दर्जे की कारीगरी भी, लेकिन इस सबसे भी ज्यादा जरूरी है वो है मॉडर्न मशीन्स, जो इस काम को और भी ज्यादा आसान बना देती हैं। और आज हम ऐसी ही कुछ मशीन्स आपके सामने लेकर हाजिर हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं इन अमेजिंग मशीन्स की वर्किंग को, तो कहीं मत जाइए और बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। लॉग डीबार्किंग मशीन। किसी भी लकड़ी से कुछ भी बनाने के लिए हमें सबसे पहले पेड़ से निकली गई लकड़ियों को सही रूप में लाना आवश्यक है, जिसमें पहली अड़चन बनती है उस पेड़ की छाल, जिसे जलाने के अलावा और किसी भी काम में इस्तेमाल नहीं किया जाता। यूं तो पेड़ की छाल निकालने का काम लोग अपने छोटे मोटे टूल्स से भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत थकाने वाला काम है, और वो भी तब जब काम बहुत बड़े इंडस्ट्रियल स्केल पर किया जा रहा हो। और इसी वजह से ये लॉग डीबार्किंग मशीन इस्तेमाल की जाती है। इस पर एक बड़े से लॉग को लाकर रख दिया जाता है और फिर वो रोटेट होने लगता है। जैसे जैसे वो लॉग घूमता है, मशीन के ऊपर लगा एक ब्लेड उसे एक तरफ से छीलता रहता है। एक साइड से काम होने के बाद ये ब्लेड पूरे लॉग पर मूव करता रहता है और कुछ ही मिनटों में पूरी छाल उतार देता है। ऑटोमेटिक वुड कटर। एक पेड़ को काटना कई लोगों के लिए काफी लंबा और थकान भरा काम हो सकता है, इसलिए अब लकड़ी काटने के लिए लोगों पर ही सिर्फ निर्भर रहना आपको काफी स्लो कर सकता है, इसलिए हमारी ये मशीन इस काम को बहुत ज्यादा आसान कर देती है। एक क्रेन के साथ अटैच्ड ये कटर बहुत ही तेजी से घूमता है, साथ ही इसके ब्लेड्स भी बहुत ज्यादा शार्प होते हैं, जिस कारण से जैसे ही इसे किसी पेड़ के निचले हिस्से से आप छूते हैं, तो वो पेड़ आपको पलक झपकने से पहले ही कट कर अलग गिर जाता है। फिर इसमें लगी मैकेनिकल आर्म्स उस पेड़ को अच्छे से जकड़ लेती हैं और उठाकर नीचे रख देती हैं। ये मैकेनिकल आर्म्स ही इस मशीन के कटर को स्टेबिलिटी भी देती हैं और बिना हिले डुले ये पेड़ काट पाती हैं। ऐसी मशीन से एक घंटे में लगभग 100 से 150 पेड़ काट सकती हैं। वुड सीएनसी मशीन। दोस्तों, शायद आपने सीएनसी मशीन का जिक्र इस चैनल पर पहले भी कई बार सुना होगा। सीएनसी मशीन्स वो मशीन्स होती हैं जिनके सॉफ्टवेयर्स में अगर आप अपना डिजाइन अपलोड कर दें तो वो 3D तरीके से उस मेटल के पीसेस को काट देती है। इसी से कार्स के इंजन से लेकर बाइक्स के फ्रेम तक बनाए जाते हैं, लेकिन वुड सीएनसी मशीन यही काम लकड़ी के साथ करती है। इस सीएनसी मशीन में अपना डिजाइन जैसे ही आप अपलोड करते हैं तो ये काम पर लग जाती है और बहुत ही बारीक तरीके से उस वुडन पीस को शेप देती है। सिर्फ शेप करने के लिए ही नहीं, बल्कि आप इस मशीन का इस्तेमाल किसी भी चीज को फिनिशिंग टच देने के लिए भी कर सकते हैं, और डिजाइन कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, इस मशीन के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अब इसे गणेश भगवान की मूर्ति को ही देख लीजिए, जिसे इस मशीन ने एक मामूली लकड़ी के पीस से किस तरह डिटेल में उकेर दिया है। वुड चॉपर। ये तो थी सीएनसी मशीन की बात, लेकिन लकड़ी का फर्नीचर बनाने के लिए आज भी लकड़ी के फट्टों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है, लेकिन एक पेड़ को फट्टे में बदलने के लिए एक इंसान के हाथ काफी नहीं है, जिस वजह से हमें इस कमाल की मशीन का सहारा लेना पड़ता है, जिसमें एक तरफ से पहले एक वुडन लॉग को डाला जाता है और शुरुआत में ये मशीन उसे पूरी तरह से स्मूद कर देती है। इसके बाहर के हिस्से को स्मूद कर देने के बाद इस वुडन लॉग को आगे एक दूसरी मशीन में डाला जाता है, जिसे पहले से ही एक स्पेसिफिक साइज के फट्टे काटने के लिए कॉन्फिगर कर दिया जाता है, और इसके शार्प ब्लेड्स एक वुडन लॉग को काट कर उसे इन फट्टों में बदल देते हैं, जो आगे जाकर फर्नीचर से लेकर आपके घर में बिल्डिंग मटेरियल की तरह भी इस्तेमाल किए जाएंगे। वुड चिपर। ये एक ऐसी मशीन है जिसे काम करते हुए देखना एक पेड़ के लिए एक भयानक सपना देखने जैसा हो सकता है, क्योंकि इस मशीन के अंदर एक वुडन लॉग जैसे ही डाला जाता है वो इसे पूरी तरह से चूर चूर कर देता है। इस लकड़ी के चूरे या वुड चिप्स का इस्तेमाल इसके बाद लोग अपने गार्डन्स में सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, पानी को रोकने के लिए और अपने पेड़ों को कई तरह की बीमारियों से शील्ड करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसकी वर्किंग बहुत ही आसान है। वुडन लॉग्स को इस मशीन के सामने वाले हिस्से से एक क्रेन आर्म अंदर की तरफ धकेलती है और अंदर बहुत ही हाई स्पीड से चल रहे मल्टीपल शार्प ब्लेड्स इस पेड़ के छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं,
और जब तक वो पूरी तरह पाउडर नहीं हो जाता उसे आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। ये वुडन चिप्स इसके बाद ऊपर वैक्यूम की तरह खींच लिए जाते हैं जहां ये ट्रक्स में स्टोर कर दिए जाते हैं। गार्डन्स के अलावा उनका इस्तेमाल जलाने वाले फ्यूल की तरह भी होता है और इस तरह इन्हें चिप करने से इन्हें लाना और ले जाना भी काफी आसान हो जाता है। तो दोस्तों ये थी वो कुछ कमाल की मशीन जिन्हें लकड़ियों को काटने से लेकर उन्हें आकार देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये देखने में जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक भी है क्योंकि इन सभी मशीन्स में बहुत ही हाई प्रिसीजन ब्लेड का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि इन्हें ऑपरेट करने वाले लोग भी इनसे दूरी ही बनाकर रखते हैं। खैर उम्मीद है आपको आज के वीडियो में कई नई मशीन्स देखने को मिली होंगी। आपको इन सब में कौन सी मशीन सबसे ज्यादा पसंद आई हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो आप किस बारे में चाहते हैं ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।